हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज सुस्मिता सेवन हम सबैजना लेके साथमा अहिले चाहिँ आफ्टर दिवाली है दिवाली ओभर भयो सो फाइनली म चाहिँ एमजीमा गएको छु अनि त्यसपछि इट्स आफ्टर लङ टाइम अनि गाइज म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मेरो चाहिँ जुन चाहिँ स्किनमा ऱ्यासेसहरू भएको थियो एलर्जी भएको थियो इट्स इन्क्रिजिङ डे बाई डे अनि आई थिङ्क अब अलिकति बादमा चाहिँ आई गो टु स्किन डक्टर अनि एकपल्ट देखाउँछु होला अनि मेरो साथीहरू चाहिँ कहाँ गयो दुईजना सो यिनीहरू चाहिँ जहिले भन्छ हाई भन आफ्टर लङ टाइम हेलो यिनीहरूले चाहिँ खासमा चाहिँ ह्याप्पी दिवाली विस गर्नुपर्ने तर गरेन क्या नमान्यो भने देखाउनु त पर्थ्यो नि त फाइनली हामी चाहिँ भेट्यो होइन हामी चाहिँ अब नभेटी त हामीले हुँदै हुँदैन त्यो हो आजसम्म त मलाई पनि त्यो एडिक्सन जस्तो भइरहेछ क्या मान्छेहरूलाई अरूको लत लाग्छ तर मलाई चाहिँ साथीहरूको लत लागेको छ होइन त्यही हो अनि एमजीमा एक झलक म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु धेरै दिन पछि तपाईँहरूले एमजीमा देख्नुहुनेछ त्यो एमजीमार्कको झलक चाहिँ यस्तो छ वेदर एकदमै दामी छ होइन अन्त वेदर दामी भइरहेछ अनि सबैजना एभ्री वान इज इन्जोइङ अनि बल्ल बल्ल फाइनली स्पिकर पनि अन हुन थालेको छ आफ्टर लङ टाइम भ्लगमा होइन कस्तो लागिरहेछ धेरै दिनपछि भेट कस्तो लाग्यो खुसी लाग्यो हेलो साथी तिमीलाई पनि हेलो भाइ कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई भेटेर राम्रो लाग्यो सो तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई भेटेर खुसी लाग्यो तिमीलाई भेटेर म आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो तिमीलाई मलाई अल्छी लागिरहेको थियो अन्त चाहिँ कस्तो अब मतलब कस्तो लाग्यो लाइक डिजिटली तिमीले हेर्दा र हेर्दाखेरि राम्रै लाग्यो नि भिडियो रिल्स हेर्दाखेरि थ्याङ्क यू सो मच होइन त्यसरी सपोर्ट गरिदिएकोमा अनि रिल्सहरू हेरिदिएकोमा समय निकालेर सो थ्याङ्क यू सो मच अनि यसरी अब हाम्रो ब्लगहरू स्टार्ट भएछ ब्रो हाम्रो अलिकति के बोलौँ न अन्त के बोलौँ नेक्स्ट ट्रिप चाहिँ के छ ब्रो अन्त नेक्स्ट ट्रिप तपाईँ डिसाइड गरौँ न हामी जाने कहाँ जाने भन न कालिम्पोङ होइन नेक्स्ट ट्रिप नेक्स्ट ट्रिपको लागि चाहिँ के छ प्लानिङ गाइस नेक्स्ट ट्रिप चाहिँ हाम्रो गोलीटारमा हुनेछ र भव्य रीतिले चाहिँ अब इन्जोयमेन्ट हुनेछ ओ ओ साथी कति बजी चाहिँ मास्क खोल न अन्त अबै ब्लगमा आएर पपुलर भयो खोल न एकछिन चाहिँ खोल न अनि ऊ चाहिँ म चाहिँ साथी हो होइन उसलाई चाहिँ जेनीको भ्लगमा चाहिँ अस्ति अलिकति झलकै हालेको थियो मेरो भ्लगमा त छैन नि ऊ आएको छैन सो हामी चाहिँ के भनौँ चाइल्डहुड फ्रेन्ड हो नि त होइन तर ऊ चाहिँ अहिले जब गर्दैछ त्यही कारण चाहिँ स्टेइङ इन लाइक अन डिफ्रेन्ट प्लेसेस त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभन मेट टिल डेट न अहिलेसम्म चाहिँ बट आफ्टर लाइक ग्रेजुएसन अर आफ्टर लाइक कलेज सबै ओभर भएपछि चाहिँ वी मेट है आफ्टर पिजी मिलेको हामी हाँ आफ्टर लाइक पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स खतम भएपछि मात्रै हामी भेट्यो अनि चाहिँ एकदम हामी रमाइलो छ एभ्री वान इज इन्जोइङ आफ्टर अ लङ टाइम हामी भेट्यौँ मलाई एकदमै लाइक यु नो मे अभी बहुत खुस हुँ म चाहिँ हिन्दीमै ब्लग गर्न त म फिर चाहिँ भुल गएँ पता है गाइस क्या होता है ना मतलब चलो कोही बात नहीं मिक्सी कर लेते हैं ना तुम लोग कुछ बोल दो हिन्दी में नेक्स्ट ट्रिप तो जाना ही पड़ेगा ना नेक्स्ट ट्रिप तो हम ऑब्वियसली जाएंगे लेकिन कहाँ जाएंगे पता नहीं क्योंकि मेरा अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है और मेरे बगैर सुष्मिता कहीं जाएगी नहीं वो तो सही पकड़ेगा इस वो तो सही पकड़ेगा लेकिन सुष्मिता के बगैर मैं जाऊंगी जाएंगे हाँ ये लोग ना जगह स्टोरी डाल देते ठीक है मुझे पता भी नहीं चलता है और ये लोग ना पहुंच जाते हैं तो स्टोरी में देख के मुझे पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ है फिर मुझे पूछना पड़ता है कि तुम कहाँ पर हो पूरा सीधा स्टेशन का दिखता है एनजीपी का नहीं तो लाइक ट्रेन के अंदर ही दिखते मतलब फोटो दिखता पड़ता है नहीं तो लाइक पता नहीं ये लोग का ट्रिप कहाँ है लेकिन हम लोग तो बोल रहे थे कालिम्पोंग तो जाएंगे ना कालिम्पोंग का एक ट्रिप तो बनता ही है दार्जिलिंग का ब्लॉग कैसा लगा दार्जिलिंग का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा अच्छा ना देखिए इतना मतलब जाने का फिर से मन कर रहा था हाँ वो तो है ब्लॉग कैसा लगा तुमको दार्जिलिंग का बढ़िया ना तो हम नेक्स्ट ट्रिप कालिम्पोंग के लिए कोसिस करेंगे ब्लॉग करते सब ये दोस्त ना ब्लॉग कर रहा है ब्लॉग देखिए कैसा कर रहा है ये ब्लॉग कर रहा है पता है कैमरा कैसे कैसे रख के क्या पता नहीं तीन चार I can't के कन्ट्रिब्युसन राख्दैको न तिमीहरूलाई धन्यवाद होइन आफ्टर लङ टाइम है तिम्रो तिमीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ
ये इसका ब्लॉग देखे, कैमरा देखे, कितना अच्छा। दिखाओ तो फिर से दिखाओ, खुल के दिखाओ ना ब्लॉग तो कैमरा। ये बहुत सेफ्टी है गाइस, आप लोग भी ऐसे करके यूज कर, देखो देखो ये कैसा ब्लॉग कर रहा है। इसका भी चैनल में जाके सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। यहाँ भी ब्लॉगर कॉम्बो ब्लॉगर गाइस देखो कॉम्बो कॉम्बो। हामी चाइल्डहुड फ्रेन्ड हो नि त, हामी दुईजना चाइल्डहुड फ्रेन्ड हो, अन्त आज चाहिँ हामी गेट टुगेदर भएको आफ्टर लङ टाइम आफ्टर पिजी हामी पोस्ट ग्रेजुएसन भेट्दैछौँ। सुस्मिता हिन्दी में बोलो, हिन्दी में सुस्मिता कुछ बोल दो मेरे ब्लॉग के लिए। हिंदी में कि नेपाली में, आपका चॉइस है। ठीक है मैं नेपाली में बोल देती हूँ। ठीक है for giving me this Sushmita naam apni confused so hey dost ka naam kaise confuse hunu ke blog mein aapko swagat hai aur Sushmita ko bhi swagat kijiye support kijiye aur like share subscribe kijiye aur maybe abhi bhi follow kiya unko तो अभी हम लोग एम जी मार्ग में आए तो चिल आउट कर रहे हैं, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम सब लोग काम करते हैं ना तो बिजी रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा चिल आउट करने के लिए आए। तो फाइनली यू नो वी आर द यूट्यूबर्स गाइस। अब हम लोग यहाँ से कुछ खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे जब भी मैं इसको देखती हूँ ना इसको, तो मुझे भूख लगती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। क्यों पहले स्कूल से ही ऐसा होता है, फर्स्ट पीरियड से हम लोग खाते थे गाइस। फर्स्ट पीरियड में क्या करते थे बोल दो? फर्स्ट बेंच में रहते थे और फर्स्ट पीरियड में ही लंच खाना खा लेते थे, और जब तक लंच होता था तब तक ही भूख लग जाती थी और फिर बाहर जाके कैंटीन में खाते। हाँ पता है गाइस, मेरे घर पे जाके खाते थे लंच। हाँ वो तो है, तो फिर वो भी खाते थे ना, क्या बोले तो गुल्ले होता है ना रसदाना जैसा लल्लो वाला मिलता था ना गुल्ले पर, बाहर का चीनी चीनी होता था ना, सुगर सुगर होता था, वो रसदाना जैसे मिलता था ना 1 रुपए गोटा में। पता है गाइस क्या होता है, फर्स्ट बेंच में रहते थे हम दोनों, फर्स्ट पीरियड से लाइक जो नीचे का जो खाता किताब रखने वाला बुक्स रखने वाला होता है ना उसमें सब डेस्क, हाँ डेस्क पे ना नीचे डेस्क के नीचे ना सब खाने खाने का चीज होता था, और हम लोग क्या करते थे पेपर का वो बनाते थे ना कप वगैरह, हाँ कटोरा वगैरह बना के, हाँ वो करते डॉल का कपड़े वगैरह बनाते थे, और यू नो वो सही पकड़े गाइस, हम लोग ना डॉल का बिजनेस करते थे ना, हाँ वो तो इतना अच्छा लगता है गाइस। सो स्टे ट्यून इन गाइस, कुछ खाते हैं। पता नहीं आज फुरबा ने कुछ खिला ही नहीं है। फुरबा क्या खिलाओगे आज? छोला भटूरा। देखो देखो गाइस इसने बोला है छोला भटूरा खिलाएंगे, छोला भटूरा खाने के लिए। यस हम लोग कब से भूखे गाइस, हम लोग बहुत भूखे। ओ माय गॉड, तब से फुरबा आया है तब से हम लोग भूखे। ये मालिक नहीं है, मालिक से जो फुरबा ले भी करीबी फुरबा आ गई। ओ फुरबा जी लंच हो गया, तो नया मालिक का स्वागत है, स्वागत करो, थपड़ी मारो थपड़ी। गाइस हमारा मालिक चेंज हो गया जब से फुरबा आए हैं, फुरबा जी हमारे लाइक यू नो मालिक बन गए, मालिक बन गए तब से, हाँ सब कुछ बन गए, मैं आ गई हूं, मालिक बन गए मालिक। ये अभी बोल रहा है कि इसको देने के लिए, तो गरीब नंबर 3 बोला, ये मालिक हो गया, लॉटरी लगाया रातों रात मालिक बन गया है। सच्ची में इसका लॉटरी लगा गया, लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया वो। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि छोला भटूरा खिलाएंगे, तो गाइस हम देखते हैं यहाँ फुरबा ने छोला भटूरा खिलाया कि नहीं खिलाया। सो गाइस अभी हम लोग लेज किचन जा रहे हैं, अभी वो न्यू रेस्टोरेंट है ओपन हुआ है गैंगटोक MG मार्ग में, तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो देखेंगे कैसा है। सारा वीडियो में तो देखा था लेकिन पता नहीं चला कैसा है, तो हम लोग खुद जाके देखने वाले हैं। साई दिचेन के स्टोरी में देखा था लेजी शेफ। ओके तो हम लोग जा रहे हैं अभी, यहाँ से ऊपर ही है। वेलकम टू द गुड लाइफ, आई एम गाइस एंड इट्स इन लेमन। मला जस्तो प्रकारले खानु मन थियो त्यही थियो। द लेजी शेफ विथ टेस्ट मिट्स
विद मेज बार कि हम लोग लेज किचन का है, तो आप लोग इन एम डी मार्क आए तो गैंगटॉक आए तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं किचन लेजी सेफ करके। हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग कुछ लेकिन ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खा रहे अभी, तो उसके बाद यहाँ पर गप सप हो रहा है। पेरी पेरी फ्रेंच फ्राई ऑर्डर किया है तो अभी आ गए, तो हम लोग खाने वाले हैं। आफ्टर सब एम टी भैस पीछे वहाँ को लिपस्टिक यहाँ वहाँ खिंद। हम लोग लेजी किचन से निकल गए, तो निकल के हम लोग अभी एम जी मार्ग में है, तो एम जी मार्ग में हम लोग थोड़ा रिफ्रेश के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। ये लोग का झगड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होता, सो गाइस मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ इस ब्लॉग को। सो ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा यू नो सपोर्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। मेरे दोस्त को आप लोग फिर से देखना चाहते हो तो प्लीज़ टू कमेंट डाउन बिलो। ऐसे हम लोग ब्लॉग लेकर आएंगे और ट्रिप का भी ब्लॉग लेकर आएंगे, फिर हम लोग का मीटअप ऐसा ही होते रहेंगे क्योंकि हम लोग को भी रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए मीटअप जरूरी है। तो सी यू, बाय, लव यू गाइज़।